आज मैं आपके लिए साबूदाने की इतनी मजेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप एक बार बनाएं और महीनों तक खा सकते हैं। और इतनी अच्छी लगती है ये खाने में, बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये रेसिपी है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार मन होगा कि इसी रेसिपी को बनाएं और खाएं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक बाउल साबूदाना चाहिए, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से काजू, बादाम और मखाने। ये इतनी ज्यादा हेल्दी रेसिपी है कि आप इनको बच्चों की डेली डाइट में भी शामिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। और साबूदाना तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा गुणकारी होता है, तो आप उसको डेली डाइट में बच्चों की जरूर शामिल करें। इस तरह से आप बच्चों को बनाकर देंगे तो वो बना कर ही नहीं पाएंगे, उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गर्म करके रखा था जो काफी ज्यादा गर्म था, मतलब एकदम से जैसे ही आप उसमें साबूदाना को डाले तो एकदम से बबल आने लगे। उसी टाइप का हम यहाँ पर ऑयल लेंगे, उसमें साबूदाना को हम फ्राई कर लेंगे, एकदम से डीप फ्राई करेंगे जिससे कि एकदम क्रंची साबूदाना हो जाए। तो इसी तरह से आप इसको फ्राई कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है साबूदाना फ्राई होने में और ये जल्दी से गोल्डन ब्राउन भी नहीं होता है, तो आप इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसको हम बहुत अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। एक साबूदाना हाथ में लेकर आप उसको तोड़कर देख सकते हैं कि एकदम से टूटने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि साबूदाना बिल्कुल अच्छे से क्रंची हो गया है। तब हम उसको बाहर निकाल, देखिए मुझे लग रहा है कि अब बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। ना ही ये गोल्डन हुआ है, बिल्कुल वाइट ही है, शेड में भी बहुत अच्छा सा एकदम शेड है ये। तो इसी तरह से आप इसको फ्राई कर लीजिए। सारा साबूदाना हम तेल से बाहर निकाल लेंगे एकदम से अच्छे से। इस तरह से आप इसको बनाएंगे तो खाने में एकदम से कच्चा कच्चा नहीं रहेगा, अंदर से बहुत ज्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर सारा साबूदाना बाहर निकाल लिया है, तो हमें जो बाकी का साबूदाना हमें यहाँ पर फ्राई करना है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो धीरे धीरे डालकर आप सारा साबूदाना इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली ये एकदम से फ्राई हो गया है, ना साबूदाना भिगाना पड़ा है ना ही सुखाना पड़ा है, मतलब एकदम से आप डायरेक्ट इसको फ्राई कर सकते हैं इस तरह से। जब आपको लगे कि बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो इसी तरह से आपको सारा साबूदाना फ्राई कर लेना है। मैंने अब इसको थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि थोड़ा क्रिस्पी होने लगा है, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब ऑयल हमारा काफी गर्म है अभी भी, पर बहुत ज्यादा गर्म ऑयल मैंने अब यहाँ पर नहीं लिया है, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ऑयल को, उसके बाद ही हम ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर फ्राई करेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में अगर आप ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे तो बाहर से एकदम से काले पड़ जाएंगे और अंदर से ये बहुत अच्छे से नहीं पकेंगे। तो जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कीजिएगा तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ऑयल हमारा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इनको धीरे धीरे बीच बीच में आप इस तरह से एक बार अलट पलट कर लीजिए जिससे अच्छे से सारे जितने भी ड्राई फ्रूट आपने लिए हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अब मुझे लग रहा है कि एकदम से बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया है और बाकी के जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें यहाँ पर फ्राई करने थे उनको मैंने ले लिया है। मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है जिनको हम बहुत अच्छे से एकदम से डीप फ्राई कर लेंगे, बट ध्यान एक ही चीज का रखेंगे कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। और अच्छे से उलट पुलट करके दोनों तरफ से बढ़िया से एकदम से इनको फ्राई कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, एकदम से फास्ट स्पेशल और किड्स स्पेशल इस रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। मुझे लग रहा है कि एकदम से क्रिस्पी हो गई है, तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे, ऑयल बिल्कुल रिमूव कर देंगे, उसके बाद ही हम इनको बाहर निकालेंगे। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि ऑयल थोड़ा सा इसमें रह गया है तो आप टिश्यू पेपर या फिर न्यूज पेपर की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस करके इसका सारा ऑयल रिमूव कर लीजिए। अब हमने जो यहाँ पर मखाने लिए हैं उनको भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगेन उसी बात का ध्यान रखेंगे कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और अच्छे से इनको क्रिस्पी कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से उलट पलट के दोनों तरफ से बढ़िया से एकदम क्रिस्पी कर लेंगे। और बिल्कुल फ्लेम बहुत ज्यादा हाई नहीं रखिएगा, बिल्कुल लाइट से थोड़ा सा नॉर्मल सी फ्लेम रखिएगा, उसी पर हम इनको रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से रोस्ट कीजिएगा। मखाने बहुत अच्छे से एकदम से क्रिस्पी हो गए हैं तो हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से आप चाहें तो इनको ऐसे ही भी खा सकते हैं एज अ टी स्नैक, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मखाने, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। बट हम इनको नमकीन बनाने वाले हैं तो हम उसी में इसको यूज करने वाले हैं। तो हमारा ये सब जितना भी हमने यहाँ पर सामान लिया था वो सब एकदम से बढ़िया से फ्राई हो गया है।
अब हम इनमें थोड़ा सा किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश को फ्राई नहीं करेंगे, फ्राइड किशमिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, एकदम से काली पड़ जाती है और बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आता है फिर उनका। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड किया है, सेंधा नमक मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे हम फास्ट में भी खा लें और नॉर्मल भी खा पाएं। और 2 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे। पाउडर शुगर मैंने बना कर लिया है, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम जो भी इसमें मसाले ऐड करने हैं उनको ऐड करते जाएंगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट लिया है, काला नमक उसको ऐड कर देंगे। काला नमक का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर पिसी हुई ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्ची उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। इसी तरह से हम बढ़िया से एकदम चटपटा सा बना लेंगे इसको। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर ऐड किया है, ऑप्शनल है, बट खट्टी मीठी सी नमकीन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मार्केट से जब आप लाते हैं तो वो इसी तरह की रहती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता फ्राई किया है, उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। कड़ी पत्ता हेल्दी भी होता है और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है कड़ी पत्ता से, तो उसको हम ऐड करेंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। बहुत बढ़िया से मिक्स करेंगे एकदम। जितने भी हमने यहाँ पर मसाले ऐड किए हैं उनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ऐसा ना हो कि कहीं पर नमक ज़्यादा लगे कहीं कम लगे। तो आपको मसाले बहुत ही बढ़िया से एकदम चलाते हुए मिक्स कर लेना है। देखने में लग रही है ना एकदम से मार्केट से लाई हुई जो मिक्सचर होता है, बिल्कुल वैसे ही ये लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।